Welcome to Study Point. हो गया जी? Yes sir. हाँ सर. हो गया? आपसे क्या कह रहे हैं? On a square handkerchief, सिर्फ मैं ऐसे ही बता के छोड़ दे रहा हूँ. Easy सा question है. 9 circular designs, each of radius 7. आपके पास square handkerchief, square shape में ये रुमाल दिया हुआ है. और इसमें आपसे 9 सर्कुलर डिजाइन बनाए ऐसे 1 देन 2 देन 3 ये इस तरह से. ठीक है सर. अब अगर स्क्वायर है हमारे पास तो ये साइड सेम है, तो ये साइड इन तीनों के डायमीटर के सम के इक्वल होगा. अच्छा, जितनी साइड ये है उतनी साइड ये है, तो इसका मतलब ये है जो यहां सर्कल्स बनेंगे उनका भी रेडियस सेम होगा. तो सबसे पहले यही मेंशन करना था, ये रेडियाई आर इक्वल. ठीक है सर, यहां भी जो रेडियस होगा वो सेम. अब देखो, अब मेंशन करो क्या क्या है हमारे पास. हमारे पास क्या क्या है सर? हमारे पास है स्क्वायर. ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? इधर ईच रेडियस इज 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. तो हमें रेडियस गिवन है. ठीक है सर, अगर हमारे पास एक रेडियस 7 है तो डायमीटर 14 हो जाएगा. अगर ये 14 है तो ये भी 14 है, तो फिर ये भी 14 है. तो इसका मतलब सर्कल दिया हुआ, तो सर्कल की रेडियस ले लेते. तो सर्कल में हमारे पास क्या है सर? पहली बात तो नंबर ऑफ सर्कल्स 9 है, दूसरा रेडियस 7 है, तो डायमीटर जो है सर वो 14 है. डायमीटर 14 है तो साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है सर, 3 × 14. ठीक है सर, तो आपसे क्या कह रहा था? आपसे कह रहा था फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ द एंकर. तो जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है उसकी हम बात कर. तो यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा? ये सर्कल हो जाएगा. बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड. तो आप क्या करिए, एरिया ऑफ स्क्वायर में से 9 सर्कल माइनस, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कितना हो गया भाई? 42 का स्क्वायर माइनस 9 सर्कल, 22/7 आर स्क्वायर. आर कितना था सर? ठीक है जी, कितना हो गया भाई? तो जो भी आप कर लेंगे, 42 स्क्वायर माइनस, ठीक है, 7 × 9 = 63 × जो भी आंसर आ जाए करो. बैठिए, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास नेक्स्ट है 12, वो थोड़ा सा लॉजिकल है. लॉजिकल क्या है, प्लीज देखो. आपसे कह रहा है इन द फिगर 12.30 ओ ए सी बी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल. अगर एकदम से समझ में आ जाए तो बहुत ही ठीक है, नहीं समझ में आया थोड़ा सा उसमें लॉजिक है. प्लीज देखो है क्या लॉजिक का है. ये आपके पास क्वाड्रेंट है, आपसे कह रहा है सर इसका एरिया बताओ. प्लीज देखो, अब ये प्रॉब्लम ये है, अगर आपने सिर्फ इस फिगर को देखना शुरू कर दिया शेडेड पार्ट को तो आप उलझ गए, क्योंकि इसका एरिया आप किससे से निकाल ही नहीं सकते. ना ये क्वाड्रेंट है, ना ये सर्कल है, ना ये कुछ है, ना ये ट्रायंगल है, ना ये सेगमेंट है, ना ये सेक्टर है, ये कुछ नहीं है. ये जो शेप है ना, ये वाली शेप जो आपको सिर्फ फिगर अगर शेडेड पार्ट देखोगे तो ये कुछ भी नहीं. तो अगर आप इसमें ये देखना शुरू कर दिया, इस पे फोकस कर दिया, तो आप उलझ जाओगे इस क्वेश्चन. और अगर आप एज ए होल देखो कि भाई ये कौन है, सेक्टर क्या है ये, और क्या निकालना है, ट्रायंगल का नहीं खत्म, क्या निकालना है,
जो बचेगा वही तो चाहिए, अब वो चाहे कुछ भी ना हो मेरी तरफ से, तो समझ में आ रहा है ना, वो सेगमेंट है ना वो सेक्टर है ना वो ट्राइंगल है, कुछ नहीं है। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि भाई हम जो है पूरा क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं और उस क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल हटा देंगे तो यही तो बचेगा सर। अब इसके डायमेंशंस देखने हमें कि भाई हमारे पास इसके डायमेंशंस हैं या नहीं है, ठीक है जी। तो हमारे पास इनके डायमेंशंस हैं या नहीं है ये हमें देखना है। देखो सर हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या कह रहा था क्वाड्रेंट में रेडियस दिया हुआ है 3.5 और ये दिया हुआ है सर 2, ठीक है सर। मेरा ओडी इज 2, तो आपके पास क्या है ओ डी, ठीक है भाई, और ए बी सी, तो आपसे कह रहा था फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पहले तो आपसे कह रहा था एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट, तो सीधा सीधा सा 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है सर 7/2, ठीक है जी। ठीक है जी 77/8 ये हमारे पास है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फिर आपसे क्या था एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस बीओडी, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो हम निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ हाफ बेस 3.5 या 7/2 इंटू हाइट 3.5 जो भी रह गया कितना आ जाएगा भाई 7/2 एलसीएम 77 फोर जा 7/4 कितना भाई, ठीक है सर नोट करिए जल्दी से। थर्टीन कह रहा है हमारे पास स्क्वायर ओबीसी इज इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू, आपके पास क्या है ये क्वाड्रेंट है, ओ पी बी क्यू ये आपके पास है क्वाड्रेंट, ठीक है सर, वेयर ओ ए इज 20। अच्छा इसके अंदर आपने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ठीक है सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन सर ये। अब क्वेश्चन क्या है अगर आपको प्लीज ध्यान से देख लीजिए, अगर आपसे कह रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अभी नोट मत करिएगा जिसने नहीं करा है प्लीज, इधर एरिया ऑफ शेडेड रीजन में हमें कुछ करना नहीं है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर, बट कहानी फिर वही आती है जो मैं आपसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ क्या हमारे पास, हमारे पास जो है स्क्वायर दिया हुआ है ना भाई, स्क्वायर की साइड ठीक है सर, एरिया ऑफ स्क्वायर तो निकल जाएगा, क्या आपके पास रेडियस है जस्ट वेट जिनको नहीं समझा उनको भी सीखने दो जरा, क्या आपके पास रेडियस है, रेडियस या तो ये है या रेडियस ये है, या ध्यान से देखिए रेडियस ये है, आप सेंटर से अगर सर्कमफेरेंस पे कहीं भी पॉइंट मिला होगा वो रेडियस ही होगा, ये भी रेडियस है, तो रेडियस जो होगा हमारा वो डायगोनल होगा सर,
क्या होगा? डायगनल होता है साइड रूट टू, रूट टू है 20। ये हमारा रेडियस हो गया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो गया भाई? 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है सर? 3.14। क्या 22 अपॉन 4? अच्छा जी, ठीक है। 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना आ गया मेरा? 20 रूट रूट का स्क्वायर ना भाई? यस सर। माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 4 एंड 4, ठीक है 20 स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे सर जी? सर 6 रूट 2 से ये 2 हो जाएगा। यस सर। 2 से कितना आएगा है ना भाई? यस। और 2 से ये कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। तो ये 20 into 10 200 हो जाएगा। 100 से पॉइंट हट जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई 628। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है? हो गया? Yes, sir. अगर गलती से हो गया तो नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है। एरिया टू सर्किल का छोटा सा टेस्ट, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन इसी पे लिखे होंगे, बस आपको आते सॉल्व करने फटाफट। ठीक है जी? Yes, sir.